न्यूज 24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। तो देखिए, लेबनान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत अलग अलग एथनिसिटीज और रिलीजन साथ में रहते थे। बहुत ही खूबसूरत और डेवलप्ड कंट्री थी और ये देश इतना खूबसूरत था कि इसके कैपिटल बेरूत को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट भी बोला जाता था। लेकिन एक समय पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अलग अलग रिलीजन और एथनिसिटीज के बीच में बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसको कन्फेशनलिज्म कहा जाता है। यानी हर कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर अधिकार और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसीलिए अगर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है तो प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट शिया मुस्लिम होगा। पार्लियामेंट में कोटा पॉपुलेशन के हिसाब से दिए जाएंगे। मैरिज, इनहेरिटेंस, हर एक कानून में पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बेनिफिट या कोटा मिलेगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेबनान में पूरी तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैरालिसिस हो गया। कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पॉलिसी देश में पास ही नहीं हो पाती थी क्योंकि कोई ना कोई कम्युनिटी कंप्लेन करती थी कि भैया इससे दूसरी कम्युनिटी की मदद हो जाएगी या फिर हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो गई और उसके ऊपर से और भी ज्यादा कोटाज और बेनिफिट्स पाने के एक तरह से पॉपुलेशन वॉरफेयर होने लगा लेबनान में। लेबनान के सुन्नी मुस्लिम्स पैलेस्टाइन के सुन्नी मुस्लिम्स को अपने देश में आकर बसाने लगे ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़े और उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले। और इवेंचुअली हालत ये होगी कि लेबनान में 1975 और 1990 के बीच में एक सिविल वॉर होगा जहां पे क्रिश्चियन ग्रुप्स जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे और पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस को अपने देश में सेटल करने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा कोटास पाने के लिए। बेसिकली आज लेबनान की हालत खस्ता है। जिस देश को यूरोप से कंपेयर किया जाता था आज वो यूरोप का 10% भी नहीं है और देश में 25 साल तक सिविल वॉर चला है और एंड रिजल्ट ये हुआ है कि वहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से देश से बाहर निकाल दिया गया है। ये है जितनी आबादी उतना हक का एंड गेम। इंडिया में भी यही हालत होगी। परमानेंटली एक कास्ट वॉर क्रिएट हो जाएगा इंडिया में। उसके ऊपर से कन्वर्जन और भी तेजी से होने लगेंगे। म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन और तेजी से होने लगेगा ताकि इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन और बढ़े और मुस्लिम कम्युनिटी को और रिजर्वेशन मिले। मार्केट डायनामिक्स, इनोवेशन, हार्ड वर्क, टैलेंट ये तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा और जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, जो छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स हैं, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उनको तो कोई भाव नहीं देगा, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जो छोटे कास्ट ग्रुप्स हैं या जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं वो तो सोचेंगे कि भाई अगर हमें जिंदा रहना है, अपनी कम्युनिटी को बचाकर रखना है तो हमको तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन होगा, मेरिट खत्म होगा और भारत की जो डेवलपमेंट हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और देखिए, इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि एक समय पर इंडिया की जो नेशनल आइडियोलॉजी थी उसे नेहरूवियन डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता था और उसके दो पहलू थे। पहला पहलू था सोशलिज्म, कि सारी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और दूसरा पहलू था नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, यानी हिंदूज को रिफॉर्म होना पड़ेगा, हिंदूज को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए। उसके रिस्पॉन्स में बीजेपी ने अपनी तरफ से एक नेशनल ऑल्टरनेटिव ऑफर किया जिसका नाम था हिंदुत्व वेलफेयर स्टेट, कि भाई सबको रिफॉर्म करना पड़ेगा, देश के सभी लोगों का रिलीजन जो भी हो उनका कल्चर तो सनातन धर्म है और उस सनातन कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे और इस सनातन सिविलाइजेशन के बेसिस पर पूरे देश के लोगों को यूनाइट करेंगे और इकोनॉमिकली एक वेलफेयर स्टेट प्लस फ्री मार्केट डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। और इस आइडियोलॉजी ने दो इलेक्शंस में नेहरूवियन डेवलपमेंट मॉडल की आइडियोलॉजी को हराया है। उसके रिस्पांस में ऑपोजिशन ने एक नई नेशनल स्ट्रेटेजी निकाली है जिसको हम जातित्व कहेंगे, हिंदुत्व के ऑपोजिशन में जातित्व। ये फ्रेज भी मैंने एमिसरी से ही उठाया है, अगेन यू कैन फॉलो हिम बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो देखिए, हिंदुत्व का गोल था कि इंडिया के लोगों को कास्ट, रीजन, लैंग्वेजेस एंड इवन रिलीजन की बाउंड्रीज से अलग करके हिंदुत्व यानी सनातन कल्चर और सिविलाइजेशन के बंधन से जोड़ा जाए। जातित्व का मतलब हुआ कि भारत को एक जाति राष्ट्र में डेवलप किया जाएगा जहां पर आपका देश, आपका कल्चर, आपका सिविलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। जातित्व का मतलब कि भारत को उसके धर्म, उसके कल्चर, उसकी डेमोक्रेसी से डिफाइन नहीं किया जाएगा बल्कि उसके लोगों के कास्ट से डिफाइन किया जाएगा। और अगर आपका कास्ट भारत माता से बड़ा है, आपके धर्म से बड़ा है, आपके सिविलाइजेशन से बड़ा है, आपकी देशभक्ति से बड़ा है, तब तो भाई देश को डिवाइड करना बहुत ही आसान हो गया। ये एक बहुत ही घटिया और डेंजरस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसको डॉट अलायंस वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली अंग्रेजों का डिवाइड एंड कॉन्कर का मेथड है जिसको हम आज दोबारा देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए लॉन्ग टर्म में भारत के टुकड़े टुकड़े तक हो जाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज आज तैयार खड़ी हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।